2017 में जब कपिल मिश्रा जी को अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल से निकाला गया, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने बहुत ही भद्दे और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे और कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को 2 करोड़ रुपए दिए हैं और कपिल मिश्रा ने उसके सामने देते हुए देखा है। इतने आपत्तिजनक आरोप थे, इतने घिनौने आरोप थे, जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हुआ। और जब उससे हमारी पार्टी के लोगों ने पूछा कि भाई आप बताइए किस टाइम गए थे, कब गए थे, तो ऐसे भी केस हुए कि वो बेहोश तो हुए परंतु उन्होंने बताया कुछ नहीं, क्योंकि कभी गए ही नहीं थे। इसलिए मैंने कपिल मिश्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में किया सजा दिलाने के लिए। कल कपिल मिश्रा ने लिखित में कोर्ट के सामने माफ़ी मांगी, जब उनको लगा कि वो प्रूव करने की बारी आ रही है क्योंकि केस बिल्कुल झूठा था, तो उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी और कहा कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेट थे, जो उन्होंने आरोप लगाए थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, झूठे थे, गलत थे। और उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर में ऐसे आरोप फिर नहीं लगाएंगे।